ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। कल की हमारी रिकॉर्डिंग रहेगी क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, और साथ में ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है ये है इंडोर्स हो रही है, क्योंकि कल बारिश भी हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है। तो 5 मई की रिकॉर्डिंग भी आपको इंडोर्स मिलेगी, और फिर आप कुछ समय के लिए वेट करें। जब वेदर थोड़ा क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो हम कंचनजंगा के सामने बैठ करके सुंदर सी रिकॉर्डिंग करेंगे, वही चहचहाती हुई चिड़ियाओं के इर्द गिर्द होते हुए नेचर में। तो देखें, आज परमपिता परमात्मा ने हमें कहा क्या है। परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल क्लीन और क्लियर कर लें, ताकि जो भी हम निर्णय लें, जो भी डिसीजन लें, उससे हमें सक्सेस मिले, हम आगे बढ़ें लेकिन कोई रुकावट के बिना। और सबसे बड़ी रुकावट कोई और व्यक्ति नहीं होता, हम स्वयं ही अपने ही जीवन में रुकावट बनते हैं अपनी ही कमी कमजोरियों की वजह से। तो देखिए बाबा कहते क्या है, बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भवा। अगर मन बुद्धि में स्वच्छता नहीं है, अगर बहुत ही अहंकार है, या तो बहुत ही आपको इनसिक्योरिटी फील होती है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, दोनों हो गए विपरीत दिशा के हो गए। एक तो अहंकार हो गया मैं बेस्ट हूँ, और हो गए विपरीत दिशा जब मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर सकता। दोनों ही विपरीत दिशा में होने से हम जो निर्णय लेते हैं वो क्लीन और क्लियर हार्ट का नहीं होता है, क्लीन और क्लियर बुद्धि का नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं उसका फिर निर्णय का फल क्या होगा। तो परमात्मा कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। किसी को ब्लेम करके अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो निर्णय भी आपका ठीक नहीं होगा। मैं करके दिखाता हूँ, उसको तो आता नहीं है, उसको तो समझ नहीं है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मैं अभी करके दिखाता हूँ, मैं। परमात्मा कहते हैं, आप जोर से जाओगे, जोर से जाओगे, गलती करके वापस आओगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल भाव से जा रहे हो, बिल्कुल ये करना है काम, इसमें करने से सबका भला होगा, उसने नहीं किया क्यों नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सोच करके नेगेटिव एनर्जी जनरेट करके अगर आप वही एनर्जी लेकर के आगे जाओगे काम करने में, तो आपको बहुत बाधाएं आएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी और को फील होगी। और जो इंसान नेगेटिव एनर्जी लेके आगे जाता है, उसके साथ में भगवान का नाम होता नहीं है, और वो कार्य में उसको सफलता नहीं मिलती है। परमात्मा इसलिए कहते हैं, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो। कोई भी किचड़ा ना हो, किचड़ा क्या हो गया, अहंकार हो गया, ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, नफरत हो गई, है ना, या तो फिर इनसिक्योरिटी होगी आपको, कैसे होगा, कब होगा, कैसे कर पाएंगे, हाय नहीं हो सकता, हाय मेरी किस्मत ही है, ये सब कुछ हो गया, बिल्कुल ही नेगेटिव चीजें, स्वच्छता नहीं है, ये किचड़ा हो गया। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। योग अग्नि मतलब परमात्मा से जुड़ करके जो हम अफर्मेशन सीखते हैं यहाँ पर, और साथ में मेडिटेशन सीखते हैं, परमात्मा से डायरेक्ट बात करते हैं, परमात्मा के सामने जो कि हमारा डॉक्टर है, वैद्यनाथ है, उनके सामने जाकर के हम अपनी कमी कमजोरी को रखते हैं कि परमात्मा मेरे अंदर ये अहंकार है, ये अहंकार से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, या प्लीज मुझे हेल्प करिए क्लीन करने में। तो परमात्मा उस शक्ति को देते हैं और हमें साफ करने की हिम्मत देते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी, यह गंदगी है। कमजोरी किसके अंदर की, हमारे अंदर की, और हमारी आदत क्या है, औरों के अंदर की कमजोरी देखना, है ना, दूर का चश्मा नहीं पास का चश्मा लगाना, दूर की नजर नहीं समीप की नजर, समीप की नजर मतलब अपने अंदर कमी कमजोरी को ठीक करो, बाहर की लोगों की कमी कमजोरी को देखना नहीं है, वो होगी दूर की नजर। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है, जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे, क्योंकि हमने जो भी डिसीजन लिया, अगर हमने फियर से लिया, ईगो से लिया, या हमने किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से लिया, तो हमें हमेशा डर रहेगा, बैक ऑफ द माइंड में हमेशा एक फीलिंग रहेगी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, हमारे अंदर की गड़बड़ है, क्योंकि हमने जो स्टेप लिया है वो या तो ईर्ष्या से लिया है, या नफरत से लिया है, या अहंकार से लिया है। इस कारण से वो जो हमने कर्म किया उसके अंदर वो पवित्र ऊर्जा नहीं थी, अपवित्र ऊर्जा थी, जिस कारण से हमारे अंदर अहंकार थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन वो अहंकार टूट जाएगा बहुत जल्दी, जब वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे, और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य में सफलता होगी। तो ये करना कैसे है, ये स्वच्छता कैसे है, इसके लिए आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के 7 डेज का कोर्स परमात्मा से, जो कि हमें पतित से पावन बनाते हैं, इम्प्योर थिंकिंग से प्योर थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं, और हमारी इनसिक्योरिटीज को खत्म करते हैं, वो आप सीख सकते हैं जाके वहाँ पर।
तो आज का ये श्री वरदान, इसके साथ तुम शांति।